शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज बताइए पटल पर शिक्षा कहाँ है कि हाकिम ने विनाश का नाम विकास रख दिया है, रोती है अब रियाया ताली बजा बजा कर, यही चल रहा हमारे देश में, क्योंकि बर्बादी में किसी को भी पीछे नहीं छोड़े, सारे जात धर्म सब आ गए हैं। कि अमेरिका जाना प्रायोरिटी था या हमारे मणिपुर का एक राज्य बचाना प्रायोरिटी था? सर क्या बताना चाहोगे, आप मुमरा में रहते हैं और दिल्ली जंतर मंतर कैसे पहुंच गए, जो महिला खिलाड़ियों का जो यौन शोषण हुआ था, जो धरना प्रदर्शन चला था, आप उसमें भी शामिल हो गए और आपने ना केवल धरना प्रदर्शन में आप शामिल हो बल्कि देश के अंदर जो हालात बने हुए उसको पर काफी बेबाकी से मीडिया के साथ में बातें रही, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? सवाल तो मुमरा का नहीं है, क्योंकि मुमरा भी हमारे भारत के अंदर आता है, भारत से बाहर नहीं है। सवाल तो देश का है, देश की बेटियों का है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सत्ता है, ये सत्ता जो है जनता को डरा रही है, जबकि जनता क्यों डरेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, हम जनता ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो हम क्यों डरे भाई? प्रधानमंत्री मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होता है, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होता है। और देखिए कि हम जनता जो है, जब हम पटल पर जाते हैं कहीं और देखते हैं कि चाय की दुकान, पान की दुकान कहीं पर भी देखते हैं, या दूध लेने भी जाते हैं कहीं सफर में जाते हैं, तो इस तरह का हमारे बीच में माहौल नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई माहौल नहीं है। क्योंकि अगर कोई मेरा दोस्त नॉन मुस्लिम है तो मुझे बोलता भी कलीम भाई राम राम, तो मैं भी बोल देता हूँ राम राम। ये हमारा भारत का कल्चर है, अगर इसे कोई खत्म करेगा तो हम जब तक सांस है हमारे अंदर हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा कलीम भाई, जिस तरीके से आप मीडिया के सामने अपनी बातें रख रहे थे इस देश के मौजूदा हालात पे, तो बहुत सारे देखने वालों को शायद ऐसा लगा होगा कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, तो आप क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अगर अगर जो भी इस तरह का जिसका मतलब हो, आपने एक हिसाब से दिल्ली में जाके मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, खोला हुआ आके उसके 24 तक रहे। अरे मोदी जी तो देश का काफी विकास कर रहे हैं और देश को काफी नाम हो रहा है, अमेरिका गए हुए वहाँ भी उनके डंके बज रहे हैं, हमारा देश जो है मतलब विश्व गुरु बनने जा रहा है, और आप उनकी आलोचना कर रहे थे वहाँ पे। कैसा है मोइन भाई कि पहली बात तो प्रधानमंत्री हमारा है, तो सवाल तो प्रधानमंत्री पर उठाऊंगा, ठीक है, और साथ साथ इस देश की मीडिया भी। आखिर क्या खामियां नजर आती है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज बताइए पटल पर शिक्षा कहाँ है? स्कूलें बंद हो रही है भारत में, क्यों हो रही है? शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? और सपोज दैट इस देश में, भारत में हर साल तीन से चार लाख बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, खैर उनका विरोध नहीं है मेरा, लेकिन मेरा सरकार से ये सवाल है कि अगर मान लीजिए कि अमीरों के बच्चे बाहर जाके पढ़ लेंगे, इस देश का गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? क्या और संविधान के अंदर एक आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार, तो अगर मान लीजिए इस तरह का है तो गरीब को शिक्षा तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए मोइन भाई? कलीम भाई आप तो कड़ा प्रहार कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर, लेकिन देश पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की, ये बात आपने विकास नजर नहीं आता? ये बात बहुत सही कहा आपने, जैसे कि आप ये बात मैं सरल शब्दों में दो लाइन में बता देता हूँ कि हाकिम ने विनाश का नाम विकास रख दिया है, रोती है अब रियाया ताली बजा बजा कर, यही चल रहा हमारे देश में, तो ये विकास नहीं है। और सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं ना जो, ये बहुत सही बात है, क्योंकि बर्बादी में किसी को भी पीछे नहीं छोड़े, सारे जात धर्म सब आ गए हैं। और नौकरी भी देखिए, गरीबी भी किसी पर आती है तो जात धर्म देख करके नहीं आती है, और अगर मान लीजिए कि रोजगार भी जाती है तो ये भी रोजगार भी जाती है। एक मिनट आप जाइए, धर्म देख के नहीं जाती है। आप एक बात बताइए, इस देश में उन्माद फैला कर और आप विदेश घूम रहे हैं, आज आप पत्रकार हैं, आप एक बात बताइए मणिपुर
हमारे देश का अभिन्न अंग नहीं है। बिल्कुल है। और वहाँ के रहने वाले जो नागरिक है मणिपुर के, क्या वो हमारे भाई बहन नहीं है? तो अगर उनके ऊपर इस तरह की स्थिति है जो कि वहाँ का मुख्यमंत्री एकदम से नकारा साबित हुआ है, रोक नहीं पा रहा है, और प्रधानमंत्री उसको ना देखते हुए, उसको प्रधानमंत्री का दायित्व है कि उस हिंसा को रोका जाए, महीनों से ऊपर हो गया, बच्चों को दूध की प्रॉब्लम है, दूध के लिए बच्चे तरस रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे अपनी जान बचा करके। तो एज ए नागरिक, एज ए भारतीय हमें दुख होता है। तो हम तो अपने प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे ना कि अमेरिका जाना प्रायोरिटी था या हमारे मणिपुर का एक राज्य बचाना प्रायोरिटी था, ये आप बताइए। अगर पत्रकार है नहीं प्रायोरिटी बचाना, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इस पर अगर बात कर रहे हैं तो ये कड़ा प्रहार कैसे होगा? अच्छा करीम, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके बाद फिर अगर हम बात करें कर्नाटक के अंदर, जिस तरीके से बीजेपी की वहाँ पे दोनों स्टेट के अंदर करारी हार हुई है और कांग्रेस की बंपर जीत हासिल हुई है, तो अब कुछ महीनों के बाद जैसे कि कुछ अलग दूसरे राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और तेलंगाना, यहाँ पे भी मतलब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अपनी जो जीत का परचम है वो इन चारों राज्यों में मतलब दोहरा पाएगी? देखिए मैं तो कांग्रेस ही नहीं हूँ, कांग्रेस मैं तो जनता हूँ, और कांग्रेस अगर जीत के आती है, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये बहुत पहले मैंने बोला बेटा कि कांग्रेस ने जो है इस देश से सत्ता खो करके कुछ भी खोया नहीं है, लेकिन इस देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।